गुड मॉर्निंग ऑल, स्टडी टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए टॉप 10 एमसीक्यू टाइप करंट अफेयर्स लेकर मैं संदीप कुमार करने जा रहा हूँ अपने और आपके सुबह की शुरुआत। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। यहाँ पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे हम लोग डील करने वाले हैं डेली सुबह के 6:30 बजे, और कुछ एग्जामिनेशन जैसे CHSL, CGL, SSC के, RRB के, NTPC, ग्रुप डी जैसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, और JPSC, BPSC, UPSI, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, और सभी एग्ज़ाम जिसमें कि आपका आपके सिलेबस में डेली करंट अफेयर्स पूछा जाता है। वैसे तो आजकल के हर एक एग्ज़ाम में डेली करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और लगभग 8 से 12 क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और इसमें से लगभग आपको 6 से लेके 10 तक का स्कोर करना पड़ता है, तभी आप एक बहुत ही अच्छे रैंक हासिल कर सकते हो। मतलब लीड करने के लिए डेली करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए जो कि एमसीक्यू टाइप हम लोग लेकर आए हैं। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस आपको कोरिलेट करके आप इसमें आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है 9 मई। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि इस दिन विजय दिवस भी मनाया जाता है, ताकि आपको याद रहे। और एक और दिवस है या जयंती हम लोग बोल सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, टैगोर जयंती। अगर आप याद करना चाहेंगे तो तीनों एक साथ आप कोरिलेट करके याद कर लीजिए, जैसे कि कोई भी एक ऐसा ट्रिक लगाइए जिससे कि आपको तीनों एक साथ याद हो जाए। जैसे रविंद्रनाथ जयंती के उपलक्ष्य पर विजय ने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया, ऐसे कुछ करके, ताकि आप इजीली कोरिलेट करके आप 9 मई के लगभग इन विशेष तीनों दिवस को या जयंती को, मेन जो भी आपका है उसको याद करके रख सकते हैं। 8 मई के बारे में बता दें, क्योंकि ऑप्शन में आया तो आपको बता देते हैं। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, और साथ ही साथ विश्व थैलेसीमिया दिवस याद रखना है, विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। मई की बात कर रहे हैं थोड़ा सा और, तो मई के दूसरा संडे यानी कि सेकेंड संडे को मदर्स डे मनाया जाता है, याद रखिए, जो कि कल हम लोगों ने मनाया, मदर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो 6 मई, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, अस्थमा दिवस, और 5 मई जो है वो मनाया जाता है, 5 मई को कहाँ से कोरिलेट करें, चलो यहाँ पे खींच के ले आते हैं, यहाँ मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस, याद रखना है विश्व एथलेटिक्स दिवस, ठीक है। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं, तो इसको भी डील कर दे रहे हैं ताकि आपके वो दिमाग में आ जाए कि ऐसा कुछ हम लोग पहले पढ़े थे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में अगर बता दें तो ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, याद रखना है, वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक मई के टाइम में मनाया जाता है और एक लगभग अक्टूबर के टाइम में मनाया जाता है, ठीक है। इस बार का जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का जो थीम था उसको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं कि थीम क्या है, उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में। तो इसका थीम्स था बर्ड्स कनेक्ट
आवर वर्ल्ड, ये थीम था इसका, ठीक है। यानी कि जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया, ये थीम था। ये दिवस जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, कहीं ना कहीं पक्षियों के संरक्षण के लिए, उसके आवास के संरक्षण के लिए, जो पक्षियाँ विलुप्त हो रही है उनकी देखभाल के लिए मनाया जाता है, यानी कि उनके तहत मनाया जाता है। ये 2006 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 2006 से इसको मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे उनका पिक्चर भी दिया गया है, अगर आप पहचानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पिक्चोरियल डायग्राम से भी एक माइंड मैप बन जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसका आंसर है त्रिपुरारी शरण, इनका नाम है त्रिपुरारी शरण, जो कि बिहार के नए मुख्य सचिव, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में इनका नियुक्त किया गया है, नियुक्ति किया गया है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। इन महाशय को तो बहुत कोई जानते ही होंगे, ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में हमेशा वर्षों सालों साल इनका नाम रहता है, हर एक साल कोई ना कोई एक प्रिक्स वगैरह में, या कोई भी ग्रैंड प्रिक्स या कुछ भी वैसा। ये जो कैप में देख रहे हैं, ये भी एक सवाल है कि ये जो मर्सिडीज कंपनी की जो है, पहले इसके बारे में बता देते हैं, इसके बाद फिर बताते हैं। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो ये है महाशय लुइस हैमिल्टन जी, लुइस हैमिल्टन जी ने इसको जीता है। ये मर्सिडीज का, ये ब्रांड का पहनते हैं, और मर्सिडीज का ब्रांड से ही ये मर्सिडीज चलाते हैं और उसी से रेस भी करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। शोधकर्ताओं ने भारत के किस राज्य में सोरोपोड्स की 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियों की खोज की है? ठीक है, तो इसका आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य में सोरोपोड्स की 100 मिलियन वर्ष, यानी कि 100 मिलियन पुरानी हड्डियों की खोज की है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज का नाम क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पे ये वर्क करता है। आप इनका फोटो में देख सकते हैं, ऊपर में पूरा सोलर पैनल्स वगैरह इसमें लगाया गया है कि ऑटोमेटिकली ये सनलाइट से भी चार्ज हो सके, जिसमें सनलाइट पड़े और ये चार्ज हो सके, जिसमें पावर की कमी ना हो कभी इसमें। ठीक है, इसका नाम है मे फ्लावर 400। ठीक है, मे फ्लावर 400 आपको याद रखना है, यही इस जहाज का नाम है, जो कि दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्क करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है? देखिए, याद रखिए कि ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट भारतीय सेना ने किस राज्य में, वो भी पहला, इसलिए कि पहला जब भी आता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज के रूप में बन जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के रूप में, या जीके के जनरल नॉलेज के रूप में, आपके एग्जामिनेशन व्यू से। ठीक है, तो सिक्किम इसका आंसर है, कि सिक्किम राज्य में भारतीय सेना ने पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस देश ने जानवरों के लिए कोविड कोविड वैक्सीन का दुनिया का पहला बैच तैयार किया है? ये थोड़ा सा नीचे चला गया है, कोई बात नहीं, इसको मैनेज करके आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम चैनल स्टडी टिप्स, आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप आकर इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके आपके पीडीएफ के लिए, इसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, फ्री कॉस्ट आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप वहाँ से ले सकते हैं अपने रिवीजन के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे साबित होने वाला है। आते हैं, तो किस देश ने जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन का दुनिया का पहला बैच तैयार किया है? तो इसका आंसर है रूस ने। ठीक है, रूस ने जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन का दुनिया का पहला बैच तैयार किया है, तो याद रखना है इसको, रूस के बारे में
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्पोर्ट्स से है, फिर से एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप COVID-19 के कारण भारत से किस देश में चली गई? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि इंडिया में होना था, लेकिन इंडिया में कोविड का जो स्थिति है अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे केसेस निकल रहे हैं, तो भारत में होने वाला था तो इसको किसी और देश में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है इसराइल, पाकिस्तान, ईरान, UAE। आपको याद होगा कि पिछले बार IPL भी यहीं पे किया गया था, ठीक है? तो इसका आंसर आपका होगा UAE, इंडिया से UAE, यानी कि यहाँ से आपको मुक्केबाजी का जो भी चैंपियनशिप है UAE में भेज दिया गया है, अब वहीं पे होगा पूरा चैंपियनशिप, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा, आपको डायरेक्ट बता देते हैं, विल नेल्सन। विल नेल्सन जो है कि नासा के 14वें 14th चेयरमैन बने हैं नासा के, जो कि डायरेक्ट प्रेसिडेंस जो बाइडेन सर हैं या बाइडेन साहब हैं उनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट को ये प्रेसिडेंट को डायरेक्ट ये रिपोर्ट करेंगे नासा के हर एक एक्टिविटी के बारे में, यानी कि नासा में कुछ भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जो कि प्रेसिडेंट को बताना है तो जो बाइडन साहब जो हैं वहाँ के प्रेसिडेंट उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। तो विल नेल्सन जो हैं वो नासा के नए अध्यक्ष या चेयरमैन बने हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर पे। राजस्थान के मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अधिकतर टाइम में ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं जब भी कभी कोई रेलवे स्टेशन या कोई जगह का स्थल का पुरातात्विक जगह का अगर नाम बदलकर कुछ रख दिया जाता है तो महेश नगर इसका नाम है, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए, यानी कि राजस्थान के मियो का बाड़ा का जो रेलवे स्टेशन है, मियो का बाड़ा नाम से रेलवे स्टेशन था तो उसका नाम अभी महेश नगर रख दिया गया है। तो ये थे आपके टॉप 10 आपके करंट अफेयर्स। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से ले सकते हैं।